हेलो ब्रो, क्या हाल भाई है? बढ़िया नहीं है अभी तो भाई। क्यों, क्या हो गया भाई? लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बुक तो उल्टी है भाई। ये यूपीएससी क्या होता है, यानी यूपीएससी करने के बाद क्या करोगे आप? भाई काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर उसके बाद शादी करूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी। अबे भाई, ये भी कोई लाइफ है? तुम्हारा मन नहीं करता क्या यार कि तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो इंस्टाग्राम पे, चाहे फेक हो, और तुम्हारे पास महंगी गाड़ी हो, सेकंड हैंड हो? यार ये भी कोई लाइफ है भाई? तुम ना टिकटॉकर बन जाओ। टिकटॉकर बन जाओ। और रेस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट यार, मैंने जब टिकटॉक डाउनलोड करा तभी फेंक दी थी मैंने। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, दिस मी रोहन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेम हाउस के बारे में, तो वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। करना हाँ भाई, सबसे पहले मुझे उस बंदे से मिलना है जो कह रहा था कि बस 2020 खत्म हो चुका है, इस साल में और कुछ बेकार चीज, और कुछ घटिया चीज नहीं हो सकती। लेकिन कुछ दिन पहले जो एमएक्स प्लेयर ने अपने ऑफिशियल चैनल पे फेम हाउस को ये ट्रेलर डाला, और ये ट्रेलर देखते ही मैंने बोला ये तो टट्टी है। हाँ, इसने भी अपना काम चालू कर दिया, यानी डिसलाइक करना। तुम डिसलाइक रेशियो देख ही सकते हो। हम निहारते हैं इस ट्रेलर को। जहाँ पे है हाइप, फन एंड बहुत सारा फेम। इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर करेंगे कोलैब और बनाएंगे। ओह, इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स। ओके, दिखाओ हमें कौन कौन है। नहीं, मैं नहीं जानता इनमें से कौन है भाई, एक को भी नहीं जानता मैं। तुम लोग भी सोच रहे होगे कि यहाँ पे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कैरी मराठी, भुवन बम, आशीष चंचलानी और मेरे जैसे यूट्यूबर्स क्यों नहीं आए। हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैरी मराठी डेंटिस्ट है, भुवन बम गवर्नमेंट जॉब में करता है, और मैं तो रही भी, क्योंकि इंटरनेट क्रिएटर्स तो ये लोग हैं। तो जिसमें ना एक शेर होता है, इनके साथ रेस लगाना मेरी बेइज्जती होगी। रेस लग रही थी ना, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा क्यों हुआ भाई? इन्हें रोस्टर्स की जरूरत ही नहीं है, ये तो खुद आपस में बेइज्जती मार लेते एक दूसरे की। हम क्या जॉब छोड़ दें? जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे एक ही बंदा पहचान में आया जिसकी शक्ल मनोज लग रहे खौफ। हाँ, जिसका नाम है जोकर। अब ये नहीं पता उसका नाम जोकर है, उसकी पहचान जोकर है, लेकिन कुछ तो है। गंदी थूथ बना के फेमस कैसे हो सकता है? पारिवारिक शो है ये, हम सब साथ में देखते हैं बैठ के, मत करो ऐसा। टिकटॉकर्स की एक चीज अच्छी लगती है कि वो लोग कभी भी वुमेन को क्रिटिसाइज नहीं करते, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनलाइन कभी भी किसी को कुछ भी हेट नहीं करते। अरे यार, क्यों यार तुम्हें? इन लोगों से यही उम्मीद थी। शो में हुई नहीं, जा रहा हूँ। यही पटक के खुद देंगे, चल निकल मार दे। अनलिमिटेड बकवादी। मैं भी थोड़ा ज्ञान पेल लेता हूँ। तुम भी सोच रहे होंगे कि इस शो में सिर्फ टिकटॉकर्स क्यों आए हैं, इस शो का नाम फेम हाउस क्यों रखा गया? दैट मीन्स टिकटॉकर्स इक्वल्स टू नो फेम, क्योंकि शो बनाने वाले को ये पता है कि टिकटॉकर्स का कैसा फेम है, आई मीन टू से टिकटॉक वाला फेम। और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, तो इसीलिए इस शो में कैरी यूनाटी, भुवन बम, आशीष चंचलानी और मेरे जैसे यूट्यूबर्स को नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही नहीं कराने हैं। तुम 10,000 छोड़ दो भाई, मैं जा रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ मैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर तुम सोच रहे हो इस टिकटॉकर का लाइफस्टाइल, इस यूट्यूबर का लाइफस्टाइल कितना बढ़िया है भाई, फुल फ्लैक्स करता है, पूरी मस्त जिंदगी जीता है, इतना पैसा कमाता है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम हमारी लाइफ देखोगे ना एक बार, तो भाई इतना ज़्यादा जो है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हर चीज़ का, हर चीज़, यानी एक एक चैनल नहीं, हर एक ब्रांड, और भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ एक वीडियो के अलावा। जब आप एक 7-8 मिनट की वीडियो देखते हो, उसके पीछे एक बहुत टाइम की मेहनत होती है। अगर तुम सच में यूट्यूबर ये सब बनने की सोच रहे हो, तो भाई जो भी अपनी जॉब कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, वो ही बेस्ट है भाई, और अपनी गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दो, क्योंकि तुम एक स्टार किड तो हो नहीं कि ओल्ड मूवीज को रीमेक करके तुम आराम से अपनी लाइफ सेट कर लोगे। ये लाइन में इसलिए कर रहा हूं ताकि कंपटीशन कम हो। ये स्क्रिप्ट में किसने लिखा? चलो अब देखते हैं इन टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स की कुछ टकाटक वीडियोस। ओ बच्चे, टेंशन मत ले, रुक जा, सब ठीक हो जाएगा, रुक। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, ये एक चिकचौकर है, वो अजीब से मटका रहा है, कहला जाए दुकान नहीं, अजीब है। माँ कसम, मैं इस लड़की की जगह होता ना, मैं इसको 360 किक देके इसका मुंह पीछे कर देता यार। किस तरीके से ये लड़की को उठा रहे? सच बोलूं, अगर ये गाना SRK ने सुन लिया ना, तो SRK सर ये सोचेंगे कि भाई पूरी पूरी जो मेहनत करी है ना इतने सालों की, सब वेस्ट। नहीं, और ज्यादा क्लिप्स नहीं देखेंगे वरना वीडियो। हम आते हैं अपने फेवरेट काम पे, जिसको बोला जाता है कमेंट रीडिंग।
I swear they are unrecognizable without the filter. Yes, I know. अगर इन लोगों से कोई भी टास्क करा देना, पानी वाला या मुंह धोने वाला, उसी वक्त कैमरामैन बेहोश हो जाएगा, सच कह रहा हूँ मैं। रुको जोरो, सबर करो, क्वेश्चन मार्क, कैरी को बुलाता हूँ। हाँ, तेरी मौसी का तो लड़का है कैरी, जो आके मेडे का शूट छोड़ के यहाँ पे रोस्ट वीडियो बनाएगा। वन आई एम ऑन टारगेट गाइस, वी कैन डू दिस। हाँ, मैं फीलिंग समझ चुका हूँ लेकिन वर्ड नहीं समझ पाया। उसको अनलाइक नहीं बोलते, उसको डिसलाइक बोलते हैं भाई, और हम 2021 में जी रहे हैं भाई। फॉर टुडेज वीडियो गाइज, और ये मेरी गर्दन बार बार टेढ़ी रहती है, पता नहीं इस वीडियो में क्यों हो रहा है। बार बार टेढ़ी कर रहा हूँ, बार बार सीधी कर रहा हूँ, बार बार टेढ़ी कर रहा हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड रखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के दिखाने की गर्दन टेढ़ी क्यों है। इतने तुम इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक और होमवर्क देके जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, 10,000 तो हुए नहीं, बस यही कर रहे हो तुम। मिलता हूँ, बाय। हाँ भाई, अगली रोस्ट में क्या करना है, बिग बॉस लपेट लो।